हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? सर हम अच्छे हैं, आप कैसे? मैं भी बहुत शानदार हूँ और उम्मीद है कि आपको LLP पढ़ने में मजा आ रहा होगा। बहुत ही आसान लग रहा होगा, सारी वही पढ़ी पढ़ाई बातें हैं, है कि नहीं बात? वही स्टेप हैं जो सीखते आ रहे हैं। इस सीरीज का अगला कदम बढ़ाते हैं दोस्तों और चलते हैं किसकी तरफ? सेक्शन 22 से लेकर 25, यानी कि अगले चार सेक्शन। जो किसकी बात करता है? सर बात करता है पार्टनर्स और उनके रिलेशनशिप के बारे में, कि पार्टनर्स के बारे में हमें क्या जानना है और पार्टनर्स के रिलेशनशिप के बारे में हमें क्या जानना है। तो पहले एक शानदार एसआर के देखते हैं और उसके बाद फिर शुरू करते हैं लॉ की लैंग्वेज के हिसाब से। बहुत ही छोटे मोटे सेक्शन है। ये रिश्ता क्या कहलाता है, है ना? हमारी सीरीज का पार्ट नंबर 2, पार्टनर एंड रिलेशन। सेक्शन 22, 23, 24, 25, चार सेक्शन पढ़ने हैं बैक टू बैक। सेक्शन बाई, है ना? मैं तेरा भाई, तुम मेरा भाई, है कि नहीं बात? सेक्शन बाई देखो क्या बोलता है। एलिजिबिलिटी, बहुत ही छोटा सा 2-3 लाइन का सेक्शन है कि LLP में पार्टनर बनने के लिए आपको क्या एलिजिबिलिटी चाहिए, है कि नहीं बात? राइट, यानी कि सिंपल एंड शॉर्ट, एक वो बंदा पार्टनर बन सकता है जिसने जिसने सब्सक्राइब किया है, है कि नहीं बात? दूसरा, फिर सब्सक्राइब करने के बाद अगर कोई नए पार्टनर आना चाहते तो पार्टनर नहीं बन सकता, बिल्कुल बन सकते हैं वो पार्टनर, अगर एग्रीमेंट के हिसाब से हम उसे पार्टनर बना लेते हैं। आई होप बात आपको समझ में आ चुकी होगी। सेक्शन 23 हम पढ़ेंगे, रिश्ता किसका? पार्टनर और पार्टनर के बीच में, पार्टनर और LLP के बीच में। तो पार्टनर और पार्टनर के बीच में जो रिश्ता होगा, पार्टनर और LLP के बीच में जो रिश्ता होगा, वो किस हिसाब से चलेगा? जैसे हम पार्टनरशिप एक्ट में पढ़ते थे डीड के हिसाब से, तो यहां डीड लिखेंगे तो बेइज्जती हो जाएगी, तो किसके हिसाब से? बाय एग्रीमेंट के हिसाब से। और अगर एग्रीमेंट साइलेंट है, और अगर एग्रीमेंट साइलेंट है, खामोश है, तो खामोशी का मतलब, खामोशी का मतलब क्या मान लो सर? खामोशी का मतलब मानना है नलायको, है ना? शेड्यूल 1 के हिसाब से आपके रिलेशन डेवलप किए जाएंगे। आई होप बात आपको समझ में आ चुकी होगी। फिर सेक्शन 24 बोलता है सिसेशन, यानी कि पार्टनर अब पार्टनर नहीं रहा। पता क्या बोलने में शर्म आ रही है? शर्म आ रही है रिटायरमेंट बोलने में, क्योंकि रिटायरमेंट वर्ड अगर बोल देंगे, है ना, तो क्या होगा? इंसल्ट हो जाएगी। बताओ, पार्टनरशिप एक्ट 1932 के शब्दों को चुरा रखा है, लेकिन हम अपने समझने के लिए तो चुपचाप लिख सकते हैं। क्या लिखोगे? सीसेशन मतलब रिटायरमेंट, ठीक है जी, रिटायरमेंट। तो जब कोई पर्सन छोड़ के जाएगा पार्टनरशिप, अब वो चाहे रिटायरमेंट के थ्रू छोड़ के चला जाए, डेथ के थ्रू छोड़ रहा हो, इंसॉल्वेंसी हो गई इसलिए जा रहा हो, ठीक है ना, तो भाई वो तो एक अलग ही मैटर हो गया कि भैया उसे छोड़ के जाना है, तो वो डेथ और रिटायरमेंट, डेथ और इंसॉल्वेंसी जाएगा। लेकिन रिटायरमेंट अगर ले रहा अपनी इच्छा से, यानी कि रिटायर एट विल, भैया मैं जा रहा हूं, मेरा दम घुटता है, मुझे जाने दो ना, राइट, तो क्या होगा? कैसे जाएगा वो? एज पर एग्रीमेंट, ठीक है ना? या तो एग्रीमेंट में पहले से लिखा होगा, क्या ये बात है? कुछ पार्टनरशिप में नहीं पढ़ी थी सर? बिल्कुल पढ़ी थी। या फिर नोटिस दे दो, नोटिस, है कि नहीं बात? राइट, एग्जिस्टिंग पार्टनर्स को आप नोटिस दे दें, भैया ये लो पकड़ो चिट्ठी, प्रेम पत्र, मैं चला, है कि नहीं बात? राइट, और आखिरी में सेक्शन 25 है ना, हमें बताएगा अगर आपके पार्टनरशिप में कोई चेंज हुआ है, ठीक है, तो उस चेंज को हमें रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर्ड, है ना, करवाना है। राइट, किसके पास? रजिस्ट्रार के पास। तो रजिस्ट्रार के पास जाएंगे और उस चेंज को रजिस्टर करा लेंगे, यानी वहां पे रजिस्ट्रार के यहां लिखवा लो, सिंपल सी बात, ठीक है ना? क्या चेंज हो सकते हैं सर? नाम बदल गया। सर नाम बदल गया? पार्टनर का नाम बदल गया। सर हम नाम बदल सकते हैं? अभी बताऊंगा कब बदलेंगे, ना? या फिर एड्रेस बदल गया? एड्रेस बदल सकते हैं, कि नहीं बात? पहले मैं यहां रहता था, फिर मैं वहां रहने लगा, पहले मैं काली घाटी के पीछे रहता था, है ना, फिर मैं कब्रिस्तान के आगे रहने लगा, है कि नहीं बात? तो भैया आप एड्रेस बदल सकते हैं, नाम बदल सकते हैं, तो ये बात आपको रजिस्ट्रार को बतानी पड़ेगी, रजिस्ट्रार अपने यहां रजिस्टर कर लेगा। तो चलिए, एस आर के आप समझ चुके हैं, ठीक है ना? भूमिका बिल्कुल दिमाग में सेट हो चुकी है, अब तो बस धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है और हद से गुजर जाना है। यानी कि सबसे पहला सेक्शन 22 की तरफ चलते हैं। राइट, देखो क्या लिखा है, पार्टनर एंड देयर रिलेशन। 22 एलिजिबिलिटी, जैसे कि SRK में मैंने आपको लिखवाया,
ऑन द इनकॉर्पोरेशन ऑफ एलएलपी द पर्सन हु सब्सक्राइब द नेम, समझ आगे बात, जो जो हाईलाइट कर रहा हूं बस उन कीवर्ड्स को याद करना है जिन्होंने है ना सब्सक्राइब किया है, राइट, कहां पर, इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट पर। एक तो वो पार्टनर बनेंगे और कोई अदर पर्सन भी पार्टनर बन सकता है, राइट, किसके हिसाब से, अकॉर्डिंग विद द एलएलपी एग्रीमेंट, यानी कि जब आप एग्रीमेंट में उसे एडमिशन करा लेंगे, यानी कि पार्टनर बनने के लिए एलिजिबिलिटी लिखी है, इसको हम किस नाम से जानते हैं, इसको हम जानते हैं पुराने पार्टनरशिप में एडमिशन के नाम से, ठीक है जी बात। सेक्शन 23 रिलेशनशिप ऑफ पार्टनर्स, है ना, पार्टनर का क्या रिश्ता है, यहां पे दो बातें ध्यान रखनी है, एक तो पार्टनर का रिश्ता दूसरे पार्टनर के साथ, ठीक है नहीं, रिश्ता क्या कहलाता है पार्टनर पार्टनर का, और फिर पार्टनर का रिश्ता एलएलपी के साथ, ठीक है, कि एलएलपी के साथ क्या रिश्ता कहलाता है। तो ध्यान से पढ़िए, सेम अदरवाइज प्रोवाइडेड बाय द एक्ट, है कि नहीं बात, द म्यूचुअल राइट्स, यानी कि एक्ट कुछ भी बोलेगा तो वो मानेंगे, लेकिन फिलहाल क्या लिखा है, म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटी ऑफ द पार्टनर एंड द म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटी ऑफ एलएलपी एंड द पार्टनर, ठीक है, ये वाली बात ये लिखी, म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटी ऑफ एलएलपी एंड द पार्टनर, एलएलपी एंड द पार्टनर, ये वाली बात ये लिखी, शैल बी गवर्न बाय द एग्रीमेंट, ठीक है, कहां लिखनी पड़ेगी आपको ये बात, एग्रीमेंट में लिखनी पड़ेगी, है कि नहीं बात, एग्रीमेंट किसके बीच में होगा, राइट, बिटवीन द पार्टनर्स या फिर बिटवीन द एलएलपी एंड इट्स पार्टनर, इसको है ना सीधा इससे लिंक करेंगे पहले, फिर बीच के दो पॉइंट पढ़ेंगे। अगर कोई एग्रीमेंट नहीं है, इन द एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट, भाई सब कोई एग्रीमेंट नहीं बताया, अब क्या करोगे, राइट, म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर एंड द म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटी बिटवीन द एलएलपी एंड द पार्टनर शैल बी डिटरमाइंड बाय द प्रोविजन रिलेटेड टू द मैटर एज सेट आउट इन द फर्स्ट शेड्यूल। यही बात हमने एसआरके में समझी थी, बाय द एग्रीमेंट और बाय फर्स्ट शेड्यूल, हां सर बात समझ में आ चुकी थी, राइट। अब आती है बीच के दो पॉइंट, ये क्या बोलते हैं, द एलएलपी एग्रीमेंट एंड एनी चेंजेस इफ एनी मेड देयर शैल बी फाइल्ड विद द रजिस्ट्रार इन सच फॉर्म एंड मैनर एंड अकॉम्पनीड बाय द फीस एज मे बी प्रिस्क्राइब, ठीक है ना। अगर एलएलपी एग्रीमेंट, द एलएलपी एग्रीमेंट, जो एलएलपी एग्रीमेंट है वो, या फिर एलएलपी एग्रीमेंट में कोई भी चेंज है, समझो दोनों पॉइंट, एलएलपी एग्रीमेंट जिसमें हमने अपने राइट्स एंड ड्यूटी लिखे हैं, या एलएलपी एग्रीमेंट बनाने के बाद उसमें कोई बदलाव कर दिया है, पहले रेशियो कुछ और था 1:2:1 अब हो गया 4:3:1, है कि नहीं बात, कोई बदलाव कर दिया है, तो ये और बदलाव दोनों है ना, चेंजेस इफ एनी, अगर कोई चेंज हुआ तो मेड देयर इन शैल बी फाइल्ड विद द रजिस्ट्रार, आपको रजिस्ट्रार को देना पड़ेगा उस मैनर में, और भैया पैसा साथ में जरूर ले जाना जो बताया जाएगा, समझ गए सर। और सर तीसरा पॉइंट क्या कहता है, एग्रीमेंट इन राइटिंग मेड बिफोर द इनकॉर्पोरेशन, यानी ये मजेदार बात है, यानी आपने कोई भी एग्रीमेंट कर रखा है राइटिंग में, है कि नहीं बात, किसमें, राइटिंग में, बिफोर द इनकॉर्पोरेशन, ठीक है ना, ऑफ एलएलपी, बिटवीन द पर्संस हु सब्सक्राइब देयर नेम टू द इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट एंड मे इंपोज ऑब्लिगेशन ऑन द एलएलपी प्रोवाइड सच एग्रीमेंट इज रेटिफाइड बाय ऑल द पार्टनर्स आफ्टर द इनकॉर्पोरेशन, बिल्कुल बच्चों वाली बात है, यानी कि मान लो 1 तारीख को, है ना, 1 जनवरी की बात करते हैं, चलो 1 जनवरी को आप कुछ लोग मिले और आपने कहा एलएलपी बनाएंगे, एलएलपी, ठीक है ना, और फिर उसी दिन 1 तारीख को ही कुछ एग्रीमेंट कर लिया, यानी कि लीगल पेपर पे कुछ बातें लिख दी, ठीक है भैया हम ऐसे करेंगे, तू ऐसे कर लियो, मैं ऐसे कर लूंगा, ठीक है ना, तू बैंगन की सब्जी ले आई हो, राइट, मैं टिंडे तोरी ले आऊंगा, बना लेंगे बैठ के, राइट, और ऐसी जब बातें लिख ली, दिल पे मत ले लेना, मुद्दे की बात जो बिजनेस की थी वो लिखी और फिर रजिस्टर कराया, मान लो 10 जनवरी को एलएलपी का रजिस्ट्रेशन कब हुआ, 10 जनवरी को, यानी एग्रीमेंट पहले बना दिया कि इस बेसिस पर हम क्या करेंगे, इस बेसिस पर हम काम करेंगे, राइट, और फिर उस एग्रीमेंट के बनने के बाद तसल्ली जब होगी हाँ भाई हम ये सब काम करेंगे, उसके बाद रजिस्ट्रेशन हुआ है, तो ये एग्रीमेंट वैलिड होगा या नहीं होगा, क्योंकि जब तक रजिस्ट्रेशन हुआ तब तक तो एग्रीमेंट था ही नहीं, और अगर एग्रीमेंट ही नहीं है, सॉरी, तब तक तो रजिस्ट्रेशन था ही नहीं,
और अगर रजिस्ट्रेशन ही नहीं है इस दौरान, तो फिर कैसे मान ले कि ये वैलिड होगा या नहीं होगा, यानी वैलिड तो है नहीं। तो भैया ये लिखा गया कानून के अंदर 10 तारीख के बाद जब रजिस्ट्रेशन है ना हो जाए, तो ये जो एग्रीमेंट है जो आपने बनाया है, इसे 10 तारीख के बाद क्या कर देना, रेटिफाई कर देना, अपना लेना, ठीक है ना। राइट, रेटिफाई कर देना यानी उसे अपना लेना। भाई जो हमने पहले किया था ना इनकॉर्पोरेशन से पहले जो एग्रीमेंट किया था, हम आज भी उसी पे टिके हैं और हम आज भी उस एग्रीमेंट को अपना बनाते हैं। तुम्हें अपना बनाने की कसम खाई थी है ना, इसलिए हम तुम्हें अपना बना रहे हैं, तो उसे अपना बना लेना, बात खत्म। यही बात लिखी है नलाय को, है ना, बहुत ही मजेदार। राइटिंग में होना चाहिए, पर एग्रीमेंट कैसे होना चाहिए, राइटिंग में। एग्रीमेंट इन राइटिंग मेड बिफोर द इनकॉर्पोरेशन, कब हुआ है, इनकॉर्पोरेशन से पहले। राइट, बिटवीन द persons हु सब्सक्राइब देयर नेम्स टू द इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट, यानी उन सब लोगों के बीच में हुआ है जिन्होंने अपना नाम सब्सक्राइब करा, सब्सक्राइबर्स के बीच में कोई एग्रीमेंट हुआ है, ठीक है ना। राइट, किस चीज को लेकर, मे इम्पोज ऑब्लिगेशन एलपी के, एलपी के में हम ये सब काम करेंगे, प्रोवाइडेड सच एग्रीमेंट, यानी वो एग्रीमेंट फिर भी जिंदा रहेगा है ना, वैलिड रहेगा अगर आप उसे रेटिफाई कर देते हैं। एग्रीमेंट इज टू रेटिफाइड बाय ऑल द पार्टनर आफ्टर द इनकॉर्पोरेशन, 10 तारीख के बाद आपको उसे रेटिफाई करना पड़ेगा, अपनाना पड़ेगा। अभी बात आपको समझ में आ चुकी होगी, तो चारों पॉइंट हम पढ़ चुके हैं और याद भी कर चुके हैं सेक्शन 23 के। फिर आता है सीसेशन ऑफ पार्टनरशिप, यानी कि एक तरीके से कहा जाए तो पुरानी पार्टनरशिप के हिसाब से अगर चले तो इसको क्या नाम देना चाहिए था, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट नाम देना चाहिए था। यही लिखिए बात, द पर्सन में सीज टू बी पार्टनर ऑफ एलएलपी, ठीक है। हमने एसआरके में क्या बात लिखी थी पहले, चलो ये देख लो भैया, आप जा सकते हैं फर्म छोड़ के एज पर द एग्रीमेंट या फिर नोटिस देके, ये लिखा था ना, यही बात तो लिखी है, इन अकॉर्डेंस विद द एग्रीमेंट, ठीक है ना। एग्रीमेंट में लिख रखा है आपने, भैया मैं जा रहा हूं, एग्रीमेंट में लिख दी थी ये बात कि मैं इस तारीख को रिटायर हो जाऊंगा, ठीक है। राइट, इन एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट विद अदर पार्टनर, कोई एग्रीमेंट नहीं अदर पार्टनर के साथ कि भाई कैसे उसे रिटायर किया जाएगा, कैसे उसे सीज किया जाएगा, तो कैसे करेगा, बाय गिविंग नोटिस इन राइटिंग, ठीक है। कितने दिन के अंदर, 30 दिन के अंदर, टू अदर पार्टनर्स ऑफ हिज इंटेंशन टू रिजाइन एज पार्टनर, 30 दिन से पहले है ना 30 नोटिस देना पड़ेगा, भाई साहब मैं रिटायर हो जाऊंगा अगले 30 दिन के बाद, ठीक है। यानी इन शॉर्ट, एग्रीमेंट है तो वैसे रिटायर हो जाओ, एग्रीमेंट नहीं है तो नोटिस देना पड़ेगा। और क्या तरीका है सीज होने का, सर दूसरा तरीका है जो हम पहले से ही पढ़ते आए हैं, राइट, डेथ, फर्म ही डिसॉल्व हो गई पूरी तो सीज हो गया, पार्टनर नहीं रहे। सीज का मतलब क्या है, पार्टनर नहीं रहे, दिल पे मत लेना रिटायरमेंट, पार्टनर नहीं रहे, या फिर पार्टनर क्या बन गया, केमिकल लोचा हो गया, उसके दिमाग में गांधी जी दिख रहे हैं उसे, ठीक है ना। बात, इफ ही हैज अप्लाइड, वो खुद ही अप्लाई कर चुका है ना इंसॉल्वेंसी के लिए, राइट, या फिर कोर्ट ने शिवाजी को है ना इंसॉल्वेंट घोषित कर दिया, घर पे वकील साहब पहुंच चुके हैं रोलेक्स की घड़ी लेने के लिए, है कि नहीं बात, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल हमारा। अगला, वेयर अ पार्टनर सीज टू बी पार्टनर ऑफ एलएलपी, अब सुनना ध्यान से, बहुत ही खतरनाक बात है ये, है ना, ध्यान से सुनेंगे, आराम से पढ़ेंगे। पहले देखो क्या लिखा है, वेयर द पार्टनर है सीज टू बी पार्टनर ऑफ एलएलपी, यानी कि वो पार्टनर एलएलपी छोड़ रहा है, राइट, या छोड़ चुका है, तो उसे क्या नाम दिया, फॉर्मर पार्टनर, तो बहुत अच्छी बात है, एक्ट ने बहुत ही प्यारा नाम दिया, फॉर्मर पार्टनर, भैया जो पार्टनर जा चुका है, फॉर्मर पार्टनर, राइट, द फॉर्मर पार्टनर इज टू बी रिगार्ड स्टिल बीइंग अ पार्टनर, अभी ब्रैकेट वाली लाइन को समझाऊंगा, फॉर्मर पार्टनर जो चला गया, राइट, उसे अभी भी हम पार्टनर मानेंगे, उस पार्टनर को क्या नाम देते हैं हम, एक्स, ठीक है सर, है ना, एक्स पार्टनर था और वाकई में वो फर्म के लिए एक्स हो गया, सर मुझे भी अपनी एक्स की बहुत याद आती है, अभी अपनी पोल मत खोलो खुद ही यहां पे, है ना, फिलहाल पढ़ाई पे ध्यान दो, याद सबको ही आती है। अब देखो, एक्स जो फर्म छोड़ के चला गया, वो अभी भी, लेकिन जाने के बाद भी उसे अभी भी क्या माना जाएगा, पार्टनर मानेंगे। अब किसके लिए मानेंगे, सुनना ध्यान से, किसके लिए पार्टनर मानेंगे, सर इन रिलेशन टू एनी पर्सन डीलिंग विद द एलएलपी, उस
बाहर वाले बंदे के लिए, तो एनी पर्सन के ऊपर क्या लिख दो, बाहर वाले लोगों के लिए, ठीक है ना, वालों के लिए, यानी उसे मैं यहां पे लिख देता हूं ग्राहक, ठीक है जी, राइट। बाहर वाले लोगों के लिए आप अभी भी पार्टनर ही हैं, ग्राहक के लिए तो आप अभी भी पार्टनर ही हैं, जब तक कि, जब तक कि द पर्सन हैज द नोटिस दैट फॉरवर्ड पार्टनर सीज टू बी पार्टनर। यह पर्सन कौन है, यहां पर्सन है भैया ग्राहक, जब तक कि ग्राहक को, जब तक कि ग्राहक को नोटिस ना पहुंच जाए या ग्राहक को नोटिस ना हो जाए, पता ना लग जाए दैट द फॉर्मर पार्टनर यानी कि एक्स, फॉर्मर पार्टनर एक्स हैज सीज टू बी पार्टनर, अब वो पार्टनर नहीं रहा। समझ में आ चुकी होगी बात, बहुत ही बच्चों वाली बात है, यानी कि जो पार्टनर जा चुका है, फॉर्मर पार्टनर बन चुका है, वो अभी भी पार्टनर माना जाएगा बाहर वालों के लिए, आउटसाइडर के लिए, जब तक कि बाहर वाले आउटसाइडर को ये नोटिस नहीं हो जाता, ये बात ज्ञात नहीं हो जाती कि फॉर्मर पार्टनर एक्स पार्टनर नहीं रहा है, ठीक है ना, यानी कि जब तक उसे नोटिस नहीं पहुंच जाता तब तक तो वो बाहर वालों के लिए पार्टनर ही माना जाएगा और जिम्मेदार भी ठहराया जाएगा। और क्या तरीका है सर, और पे ध्यान दे, या तो ये तरीका है आउटसाइडर के लिए कि उसे बात बता दी जाए कि भाई वो पर्सन, भाई साहब एक्स है ना, वो चले गए भाई छोड़ के, है कि नहीं बात, पता नहीं यार गुस्सा आ गया उन्हें चले गए वो, या फिर नोटिस दैट द फॉर्मर पार्टनर हैज सीज टू बी पार्टनर ऑफ द एलपी हैज बीन डिलीवर्ड टू द रजिस्ट्रार, या फिर इस बात का ज्ञान किसको दे दी जाए, रजिस्ट्रार को दे दी जाए। जैसे आपने इस बात का ज्ञान रजिस्ट्रार को दे दिया तो हम मान लेते हैं ये पब्लिक नोटिस के बराबर है, इक्वल टू पब्लिक नोटिस। ढिंडोरा पीट दिया आपने, याद है ना पब्लिक नोटिस जो पार्टनरशिप में पढ़ाया था मैंने आपको 1932 वाली, राइट। तो रजिस्ट्रार को नोटिस देना क्या मान लिया जाता है, एक तरीके से इक्वल टू पब्लिक नोटिस के बराबर मान लिया जाता है। और जब हम उसे पब्लिक नोटिस के बराबर मान चुके हैं, दुनिया जनता के नोटिस के बराबर मान चुके हैं, तो फिर जो ग्राहक है, जो बाहर वाला बंदा आउटसाइडर है, उसको भी ये नोटिस जा चुका है, ये मान लिया जाएगा, है कि नहीं बात, समझ चुके होंगे पॉइंट नंबर थ्री क्या कहता है। जब तक कि ये दोनों काम ना हो जाए, जब तक कि इन दोनों में से कोई भी एक काम ना हो जाए, तब तक फॉर्मर पार्टनर फर्म का पार्टनर ही माना जाएगा। आई होप बात आपको समझ में आ चुकी होगी सर। अगली बात पॉइंट नंबर फोर, द सीसेशन ऑफ अ पार्टनर फ्रॉम एलएलपी डज नॉट बाय इटसेल्फ डिस्चार्ज द पार्टनर फ्रॉम द ऑब्लिगेशन, ऑब्वियसली बात है, ठीक है ना, टू द एलएलपी और टू द अदर पार्टनर और टू द आउटसाइडर विच ही इनकर्ड वाइल ही बीइंग अ पार्टनर। यानी कि एक जो फॉर्मर पार्टनर है, जो अभी फॉर्मर पार्टनर हो चुका है, उसने कुछ काम किए थे रिटायरमेंट से पहले, ठीक है, तो क्या वो उस काम को छोड़ देगा, उस काम के लिए जिम्मेदार नहीं रहेगा, है कि नहीं बात। भैया अगर मैं देश छोड़ के जा रहा हूं, ठीक है, कब मैं देश छोड़ के जा रहा हूं, फॉर एग्जाम्पल 30 अक्टूबर को या 31 अक्टूबर को, है कि नहीं बात, राइट। तो मैं जब निकल गया देश छोड़ के अक्टूबर एंड में, तो मैंने सितंबर में अगस्त में उससे पहले जो भी काम किए होंगे, क्या मैं उनके लिए जिम्मेदार नहीं हूंगा, ठीक है, जाते जाते एयरपोर्ट पे जाते जाते बम लगा गया, है कि नहीं बात, तो भैया क्या होगा, पकड़ा जाऊंगा मुझे तो विदेश से पकड़ लेंगे, भाई साहब जाते जाते बम लगा के वापस नहीं आओगे क्या, अपने देश के साथ ऐसा कर रहे हो, क्या कर रहे हो, तालिबान ज्वाइन करने जा रहे हो क्या, है कि नहीं बात। तो भाई मुझे दोषी ठहराया जाएगा, नहीं ठहराया जाएगा, बिल्कुल ठहराया जाएगा। तो सेम काम ही तो है भैया, एक पार्टनर रिटायर हुआ लेट से 1 जनवरी को, है कि नहीं बात, उसके पीछे दिसंबर नवंबर में जब वो पार्टनर था तो उसने कोई फर्म का काम किया, राइट, और इसके रिटायरमेंट के बाद वो कह रहा है कि भैया मैं अपने कामों के लिए जिम्मेदार नहीं रहूंगा, तो क्या अपने कामों के लिए जिम्मेदार नहीं रहेगा भाई, जब तू तूने काम किए इसमें, तू क्या था, पार्टनर था, उन कामों के लिए तो तुझे जिम्मेदार होना ही पड़ेगा। यही बात लिखी है, बहुत ही सिंपल, पार्टनर का फर्म छोड़ के जाना है ना एलएलपी से डज नॉट बाय इटसेल्फ डिस्चार्ज द पार्टनर फ्रॉम ऑब्लिगेशन, वो जिम्मेदारियों से मुक्त नहीं हो जाएगा, किसके प्रति, चाहे उसकी जिम्मेदारियां हो अदर पार्टनर के प्रति, चाहे उसकी जिम्मेदारियां हो बाहर वालों के प्रति, चाहे उसकी जिम्मेदारियां हो एलएलपी के प्रति, वो उन जिम्मेदारियों के लायबल रहेगा जो जिम्मेदारी उसने कब उठाई थी, जब वो एज अ पार्टनर था। सर समझ चुके हैं,
बहुत ही मजेदार बात थी। वेयर अ पार्टनर ऑफ एलएलपी सीज टू बी अ पार्टनर, ठीक है ना, वेयर अ पार्टनर ऑफ एलएलपी सीज टू अ पार्टनर, यानी कि वो जा चुका है, अनलेस अदरवाइज प्रोवाइडेड इन द एग्रीमेंट, यानी कि पहले पहले इसको ब्रैकेट में करते हैं, ब्रैकेट वाली बात एंड में पढ़ेंगे। तो देखो फिर से क्या पढ़ते हैं, वेयर अ पार्टनर ऑफ एलएलपी सीज टू अ पार्टनर, द फॉर्मर पार्टनर और अ पर्सन एंटाइटल्ड टू शेयर कॉन्जुकेंस ऑफ डेथ ऑन इंसॉल्वेंसी ऑफ द पार्टनर शैल बी एंटाइटल्ड टू रिसीव, क्या मिलेगा उसे जाते टाइम पे, कैपिटल का कॉन्ट्रीब्यूशन और उसका राइट टू प्रॉफिट। ये बिल्कुल किसकी तरह है सर, ये बातें तो कुछ कुछ नहीं नलायको, सब कुछ किसकी तरह लिखी है, जो हमने पार्टनरशिप में पढ़ी थी रिटायरमेंट के टाइम पे, राइट। अगर कोई पार्टनर फर्म छोड़ के जाता है और रिटायरमेंट लेके जाता है, उसका कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन उसे दिया जाता है, अकाउंट से प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते हो आप, या फिर साथ साथ उसका प्रॉफिट शेयर उसको लौटाया जाता है। उम्मीद है बात समझ में आ चुकी होगी, सेम बात लिखी है, ठीक है ना, जब तक कि एग्रीमेंट में कुछ उल्टा ना लिखा हो, अनलेस अदरवाइज प्रोवाइडेड इन द एग्रीमेंट, जब तक कि एग्रीमेंट में कुछ उल्टा ना लिखा हो, कोई पार्टनर जब भी जाएगा तो उसको क्या मिलेगा, ही इज एंटाइटल टू रिसीव, उसे मिलेगा कैपिटल का हिस्सा, ठीक है ना, जो उसने एलएलपी को दिया था, हिज राइट टू शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ एलएलपी आफ्टर डिडक्शन ऑफ लॉस, यानी कि प्रॉफिट में से लॉस घटा के जो भी प्रॉफिट बटेगा उसको उसका हिस्सा दिया जाएगा। डिटरमाइंड कब तक का, एट द डेट ऑफ फॉर्मर पार्टनर सीज टू बी अ पार्टनर, यानी उस दिन तक का जिस दिन उसने रिटायरमेंट लिया है। उम्मीद है बात आपको समझ में आ रही होगी, मैं रिटायरमेंट वर्ड बोल रहा हूं पर एग्जाम में रिटायरमेंट वर्ड मत लिखना, सीज टू बी अ पार्टनर सीसेशन वर्ड ही लिखना। और भैया आखिरी बात, फॉर्मर पार्टनर और पर्सन एंटाइटल टू शेयर इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ डेथ, अगर मृत्यु हुई है, क्या है मृत्यु, याद आ गया, क्या है मृत्यु, या इंसॉल्वेंसी हुई है, फॉर्मर पार्टनर की शैल नॉट हैव अ राइट टू इंटरफेयर इन द मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस, है कि नहीं बात। तो फॉर्मर पार्टनर जो क्या हो चुका है, फर्म छोड़ के जा चुका है, एक तो वो, पर्सन एंटाइटल टू शेयर इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ डेथ, पर्सन एंटाइटल टू शेयर यानी कि डेथ के केस में कौन, लीगल हायर, उसके घर वाले, है ना, तो उसके घर वाले या जो पार्टनर फर्म छोड़ के जा चुका है वो, ठीक है ना, घर वाले कब, डेथ के केस में या इंसॉल्वेंसी के केस में, ठीक है, तो वो फॉर्मर पार्टनर या घर वाले कुछ भी इंटरफेयर नहीं करेंगे मैनेजमेंट ऑफ एलएलपी में। जो छोड़ के चला गया वो फोन करके नहीं कहेगा यार तुम ये सही नहीं कर रहे यार, एक काम करो उसको ऐसे कर लेना, भाई तू कौन बीच में बोलने वाला, बीच में ना बोल, अक्षय कुमार की तरह आप बोल दोगे। और लीगल हैड्स पे तो कोई जिम्मेदारी वैसे भी नहीं आती है और उनकी तो कोई राइट बनता भी नहीं है बीच में बोलने का, है कि नहीं बात। डेथ होने के बाद, इंसॉल्वेंसी होने के बाद बेटा है ना या वाइफ बोल रही है अरे तुम सही नहीं कर रहे यार, मैं बताऊंगी, है ना, ऐसे करना है, बात आपको समझ में आ चुकी होगी, तो उनका कोई इंटरफेयर नहीं होना चाहिए। और नलायको आखिरी सेक्शन आपको पता ही है क्या पढ़ना है, रजिस्ट्रेशन, ठीक है जी, ऑफ चेंजेस इन पार्टनरशिप, राइट। अगर आप देखो तो हमने क्या लिखा था, रजिस्ट्रेशन किसका कराना है, अगर नाम में बदलाव हो गया या एड्रेस में बदलाव हो गया, सर नाम में बदलाव हो गया, देखो सबसे पहली बात, पहला पॉइंट किसके लिए, पार्टनर के लिए, दूसरा पॉइंट किसके लिए, एलएलपी के लिए, दो बातों पे गौर करेंगे कि पॉइंट्स किसके लिए बोला जा रहा है। एवरी पार्टनर शैल फॉर्म द एलएलपी, यानी पहले पॉइंट में पार्टनर किसको बताएगा, पहले पॉइंट में पार्टनर एलएलपी को बताएगा, क्या कोई भी अगर उसके नाम में या एड्रेस में बदलाव हुआ है 15 दिन के अंदर, कितने दिन के अंदर, 15 दिन में। सर नाम में कैसे बदलाव होगा, नाम में ऐसे बदलाव होगा तुम्हारा नाम है रोहित शर्मा, शर्मा जी के बालक, राइट, और तुमने शादी कर ली, ठीक है, किसी लड़की से, लड़की से ही करोगे ना, फिर पता लगा लड़की का सरनेम कुछ और था, है कि नहीं बात, तो लड़की ने क्या किया, उसने कहा मैं अपने हस्बैंड का सरनेम लूंगी, राइट, तो उनको कोर्ट में जाकर एफिडेविट बनवाना पड़ेगा कि भैया पहले मेरा नाम ये था, मतलब पहले मेरा नाम, ठीक है, यामिनी गुप्ता था, अब मेरा अपना नाम यामिनी शर्मा करना है, तो अपने नाम में मुझे बदलाव करना है। और मजेदार बात, वो यामिनी जी पार्टनरशिप
एलएलपी की पार्टनरशिप में पार्टनर थी, तो उनका नाम चेंज हो गया, शादी होने की वजह से उनका नाम चेंज हो गया। और अगर आप बहुत ही ज्यादा इंस्पायर हो गए, है ना, सोनम कपूर के हस्बैंड की तरह, तो पता लगा आपने अपने नाम के आगे, है ना, सोनम कपूर का नाम ले लिया और कपूर लगा लिया, यानी कि लड़के होते हुए आपने अपने सरनेम में बदलाव कर लिया, है ना, नए ट्रेंड को बढ़ावा दिया। तो उस पार्टनर को, यानी सोनम कपूर के हस्बैंड को जो एलएलपी फर्म में पार्टनर है, उसे 15 दिन के अंदर एलएलपी को बताना पड़ेगा, भाई साहब नाम बदल गया है, नाम में क्या रखा है, कर्म ऊंचे होने चाहिए फिर भी नाम बदल लिया है, ठीक है। अब भैया नाम बदल गया तो एलएलपी को बता दिया, एड्रेस, ऐसी एड्रेस बदल गया तो आप एलएलपी को बता दोगे। अब एलएलपी क्या करेगी, एलएलपी करेगी मजेदार बात, बिल्कुल धमाल। एलएलपी वाले पॉइंट में पहले बी पॉइंट को पढ़ेंगे तो आपको बात समझ में आ जाएगी, यानी कि इसको पढ़ेंगे बी पॉइंट को। एलएलपी शैल वेयर देयर इज अ चेंज इन द नेम और एड्रेस ऑफ पार्टनर, यानी नाम बदल गया और पता बदल गया पार्टनर का, तो एलएलपी फाइल द नोटिस विद द रजिस्ट्रार विद इन 30 डेज ऑफ सच चेंज। तो एलएलपी को क्या करना पड़ेगा, एलएलपी को रजिस्ट्रार को बताना पड़ेगा, समझ रहे हो बात को, रजिस्ट्रार को बताना पड़ेगा कि भैया नाम बदल चुका है या एड्रेस बदल चुका है। कितने दिन के अंदर बताएंगे, 30 दिन के अंदर बताएंगे, ठीक है, 30 डेज, वो भी कहां से, जिस दिन से नाम बदला है उस दिन से, समझ गए कि 30 डेज क्यों दिए हैं एलएलपी को। भैया एक बात बताओ, नाम बदल लिया है ना, उनके हस्बैंड ने, सोनम कपूर के हस्बैंड ने अपना नाम रख दिया एक्स कपूर, नाम बदल लिया, अब वो खुद ही जब 15 दिन में बता रहा है एलएलपी को, किससे, इस डेट से, जिस डेट पे नाम बदला है, इस डेट पे नाम चेंज हुआ है, तो इस डेट से ही वो खुद 15 दिन में बता रहा है। तो पता लगा 15 दिन में अगर वो बता रहा है तो आगे भी तो और दिन मिलने चाहिए। तो रजिस्ट्रार ने, लॉ ने क्या बोला, चेंज के डेट से रजिस्ट्रार तक पहुंचाने के लिए एलएलपी को कितने दिन दे देंगे, 30 दिन दे देंगे। तो 15 दिन में आप बता देना, एक्सटेंडेड 15 दिन और मिल जाएंगे एलएलपी को, तो वो बाद में बता देगी, इसलिए लिखा है यहां से 15 और यहां से 30। आई होप बात आपको समझ में आ चुकी होगी, पहले और दूसरे पॉइंट को कंबाइन करके जो हमने पढ़ा है, नोट कर लेना। अगली बात बिल्कुल अलग है, नेम चेंज से कोई लेना देना नहीं है। अगर कोई पर्सन पार्टनर बना है यानी कि एडमिशन, या पार्टनर नहीं रहा यानी कि रिटायर, जो भी हमने ऊपर पढ़ा है कि नहीं बात, फाइल अ नोटिस, कौन फाइल नोटिस, पार्टनर, अब बच्चों को लगता है पार्टनर फाइल नोटिस, नलायको क्या पढ़ रहे हैं, पहला ही पॉइंट भूल गए, एलएलपी शैल, तो कौन नोटिस देगा, एलएलपी नोटिस देगा, राइट, एलएलपी शैल, अगर कोई एडमिशन हुआ है या रिटायरमेंट हुआ है, तो एलएलपी शैल फाइल नोटिस रजिस्ट्रार को विद इन 30 डेज, 30 दिन कहां से गिनने, जिस दिन वो पार्टनर बना है या जिस दिन वो रिटायर हुआ है। आई होप बात आपको समझ में आ चुकी होगी पहले और दूसरे पॉइंट में। सर बिल्कुल समझ में आ गई, मजा आएगा। तीसरा पॉइंट देखो क्या लिखा है, थर्ड पॉइंट ध्यान से देखेंगे, नोटिस फाइल्ड विद द रजिस्ट्रार अंडर सबसेक्शन 2, यानी कि ये किससे रिलेट करता है, इससे, जो भी आपने एलएलपी की बात चल रही, जो भी एलएलपी ने नोटिस दिया है रजिस्ट्रार को, राइट, किस फॉर्म में होगा, इन सच फॉर्म, वही पुरानी बातें हैं, है कि नहीं बात, एंड अकोपेंड बाय फीस, पैसा जरूर ले आना, वही पुरानी बातें, एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, जो बताया गया है ना, साथ ही साथ क्या करना है, जो भी एलएलपी ने नोटिस दिया है, ठीक है, उस पर साइन करा लेना डेजिग्नेटेड पार्टनर के, ठीक है ना, और ऑथेंटिकेटेड यानी कि उसके ऊपर सिग्नेचर या स्टैंप लगा लेना एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। आई होप बात समझ में आ चुकी होगी। तीसरी बात, जो भी नोटिस दिया गया है एलएलपी के द्वारा सबसेक्शन 2 में, अगर वो इनकमिंग पार्टनर से रिलेट करता है, किस से रिलेट करता है, इनकमिंग पार्टनर से, एडमिशन, यानी कि अगर वो एडमिशन लेने वाले पार्टनर से रिलेट करता है, तो उस नोटिस में, है कि नहीं बात, राइट, कहा जाए तो पॉइंट नंबर ए के लिए ही बात चल रही है, उस नोटिस में क्या भेज देना, सर उस नोटिस में भेज देना स्टेटमेंट, यानी कि एक स्टेटमेंट बाय सच अ पार्टनर दैट ही कंसेंट्स टू बिकम अ पार्टनर, कि वो हां कर रहा है, मैं कंसेंट दे रहा हूं कि मैं पार्टनर बनूंगा। आप पार्टनर को बोलोगे बोल हां पहले कि पार्टनर बनेगा नहीं बनेगा, वो कह रहा हां जी बनूंगा, राइट, तो बस इस बात को लिख के भेज देना, कहां पर,
रजिस्ट्रार के पास, साइन बाय हिम, साइन कराना भाई साहब उसके जरूर, ऑथेंटिकेटेड इन अ मैनर एज विल बी प्रिस्क्राइब्ड, जैसा बताया जाएगा उस मैनर में ऑथेंटिकेट कराना पड़ेगा, जैसे शपथ पत्र लिखवा लिया है ना, इस तरीके से अगर कुछ भी बताया गया उसमें आपको बताना पड़ेगा। राइट, समझ चुके हो बात कि पॉइंट नंबर थ्री किससे रिलेट करता है, पॉइंट नंबर टू से, जो एलएलपी नोटिस भेज रही है। अगली बात पे देखो, अगली बात बहुत ही मजेदार, अगर एलएलपी ने, सुनना ध्यान से, अगर एलएलपी ने पॉइंट नंबर टू का है ना उल्लंघन कर दिया, पॉइंट नंबर टू क्या था, एलएलपी ने नोटिस नहीं भेजा रजिस्ट्रार को, नोटिस इन 30 डेज, ठीक है, रजिस्ट्रार को अगर नोटिस नहीं दिया एलएलपी, एलएलपी और डेजिग्नेटेड पार्टनर एंड डेजिग्नेटेड पार्टनर, एलएलपी भी और डेजिग्नेटेड पार्टनर भी तैयार रहे सजा के लिए, गब्बर की तरह सजा मिलेगी और बराबर मिलेगी, कितना है दोनों पे इस बार अमाउंट सेम है, ठीक है, नॉट लेस देन 2000, 2000 तो तैयार रखना, कोई दिक्कत नहीं है, पिंक कलर की पत्ती तैयार रखना जो 25000 तक पहुंच सकती है। उम्मीद है बात आपको समझ में आ चुकी होगी। अगली बात सुनो मजेदार, चौथे पॉइंट के बाद सीधा छठे पॉइंट पे आते हैं, ठीक है ना, क्योंकि इससे ही रिलेट कर रहा है। अगर मान लो कॉन्ट्रावेन किया गया है, उल्लंघन किया गया है सबसेक्शन टू का और नोटिस नहीं दिया किसने, एलएलपी ने, तो एलएलपी कह रही है नहीं दे रहे नोटिस, क्या कर लोगे, दे देंगे पेनल्टी 2000 रुपए ही तो है, तो भैया जो पार्टनर है डेजिग्नेटेड पार्टनर वो बड़े ईमानदार, वो कह रहे हैं भाई साहब हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो यार, हमें क्यों फंसा रहे हो, तो जो पार्टनर छोड़ के जा रहा है, ठीक है, वो क्या करेगा, खुद रजिस्ट्रार के पास चला जाएगा और नोटिस दे देगा इन सबसेक्शन थ्री, यकीनी बात, राइट, इफ ही हैज रीजनेबल कॉज टू बिलीव दैट, अगर उसे इस बात का यकीन है, रीजनेबली इस बात का यकीन है कि एलएलपी मे नॉट, शायद एलएलपी नोटिस ना दे रजिस्ट्रार को, यकीनी बात, एंड इन केस ऑफ एनी सच नोटिस फाइल बाय द पार्टनर द रजिस्ट्रार शैल ऑब्टेन अ कंफर्मेशन रिस्पेक्ट फ्रॉम द एलएलपी, तो जब वो पार्टनर नोटिस दे देगा तो रजिस्ट्रार के पास है ना एक ऑप्शन होगा, वो इस बात को कंफर्म कर लेगा एलएलपी से, एलएलपी को फोन लगाएगा, हेलो भाई साहब आपका जो पार्टनर रिटायर हो रहा है ना वो खुद आया है ना, नोटिस दे रहा है, ठीक है, नोटिस पकड़ लेना, सच सच बात कहे तो नोटिस दे रहा है, तो भैया वो कंफर्म कर लेगी एलएलपी, समझ में ना बात, अनलेस अनलेस जब तक कि एलएलपी हैज ऑल्सो फाइल्ड सच नोटिस, और एलएलपी ने अगर खुद ही फाइल कर दिया है वो नोटिस तो फिर तो कंफर्मेशन की बात ही नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाउएवर वेयर नो कंफर्मेशन इज गिवन, अगर भैया एलएलपी का कोई भी रिप्लाई नहीं आया, ठीक है, एलएलपी की तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आया, नोटिस दिया एलएलपी को कि भैया कंफर्मेशन बताओ, ठीक है, जाने वाला पार्टनर जा रहा है ना, कोई रिप्लाई नहीं आया, तो भैया क्या होगा, 15 दिन के अंदर रिप्लाई नहीं आया, रजिस्ट्रार शैल रजिस्टर द नोटिस मेड बाय द पर्सन सीज टू बी पार्टनर अंडर दिस सेक्शन, यानी कि रिटायरिंग पार्टनर ने जो नोटिस दे दिया, रजिस्ट्रार उस नोटिस को सच मान लेगा और रिटायरिंग पार्टनर को रिलीव कर देगा, भाई साहब आपका नोटिस है ना मैंने एक्सेप्ट कर लिया, मान लिया, टेंशन नहीं लेना, राइट। और फिफ्थ पॉइंट, इफ एनी पार्टनर कॉन्ट्रावेंस, ठीक है ना, इफ एनी पार्टनर कॉन्ट्रावेंस द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 1, यानी कि इस एक्ट के अकॉर्डिंगली, तो सबसेक्शन 1 अगर आप देखो तो क्या लिखा है इस सेक्शन के अकॉर्डिंगली, ये वाला, ठीक है, हर एक पार्टनर को इन्फॉर्म करना है एलएलपी को कि भैया मेरा नाम चेंज हो गया और मेरा एड्रेस चेंज हो गया, एलएलपी को उस पार्टनर ने है ना 15 दिन के अंदर नहीं बताया कि भैया नाम चेंज हो गया या फिर एड्रेस चेंज हो गया, तो भैया क्या होगा, तैयार रहना क्या होगा, इफ पार्टनर कॉन्ट्रावेंट द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 1, 15 दिन का नोटिस नहीं दिया एलएलपी को, सच पार्टनर, वो पार्टनर तैयार रहे कितने रुपए लेकर, कम से कम 2000 नील ओ पिंक पत्ती तो तैयार रखना, जो 25000 तक भी जा सकता है, यानी कि पेनल्टी तो देखो बिल्कुल सेम है। पॉइंट नंबर 4 के ऊपर पेनल्टी किसके ऊपर लगाइए, एलएलपी के ऊपर, पॉइंट नंबर 5 में किसमें पेनल्टी लगाइए, पार्टनर के ऊपर, पॉइंट नंबर 4 में, पॉइंट नंबर 4 में किस पॉइंट का उल्लंघन है, एलएलपी ने नोटिस नहीं दिया, या तो ये वाला या फिर ये वाला, ठीक है, और पॉइंट नंबर 5 में किस बात का उल्लंघन है, पार्टनर ने नोटिस नहीं दिया 15 दिन के अंदर एलएलपी को अपना नाम और एड्रेस बदलने पर,
उम्मीद है बहुत शानदार जानदार तरीके से आपको ये बात समझ में आ चुकी होगी। तो फाइनली आप इस एसआरके में जो नोटिंग करना चाहते हैं, इसके नीचे जो भी नोटिंग करना चाहते हैं उसे करें, ताकि एग्जाम में सिर्फ मुझे ये चीज पढ़नी है और सीधा रिवाइज कर लेना है। तो चलते हैं, मिलते हैं अगली नई वीडियो में, अगले सेक्शंस में, जो इस सीरीज का तीसरा पड़ाव होगा। तो चलिए, मिलता हूं अगले लेक्चर में। तब तक आपको पता ही है, पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, दुआओं में याद रखिए।